अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। आज एक बार फिर मैं हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। आज रात हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम की ऑफिशियली इफ्तिताह होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखिए और आखिर में मैं आपको इफ्तिताह भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे कलरिंग का काम जारी है और ये फिनिशिंग काम है। यहाँ पे गेट को भी लगाया है, उस साइड पे पवेलियन प्लस मीडिया बॉक्स है। इस वक्त मैं आया हूँ पवेलियन प्लस मीडिया बॉक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काम जितना भी था वो मुकम्मल हो चुका है। और साथ साथ यहाँ पे मैं आपको लिफ्ट भी दिखाऊंगा, लिफ्ट के ऊपर भी काम मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे बाहर भी काम मुकम्मल होने वाला है। आज रात यहाँ पे इफ्तिताह है, तो ये इनसाइड व्यू है पवेलियन प्लस मीडिया बॉक्स, लिफ्ट मैनुअल सीढ़ियों के अलावा। और ये है सीढ़ी, सीढ़ियों के ऊपर ग्रिल का जितना भी काम था वो भी मुकम्मल हो चुका है और ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। ये स्टेडियम यहाँ जितना भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। आज रात यहाँ पे इफ्तिताह है, तो इस वीडियो में मैं आपको इफ्तिताही तकरीब भी दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए। नीचे आप देख सकते हैं सफाई का काम भी यहाँ पर हुआ है और साथ साथ यहाँ पर मार्बल और टाइल्स का काम भी मुकम्मल हो चुका है। और ये बाहर का व्यू है, ग्रास भी आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करेगा वक्त के साथ साथ। तो ये बाहर का व्यू है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम, चेयर्स का काम भी मुकम्मल हो चुका है और सामने डिजिटल स्क्रीन, स्क्रीन के साथ ग्रास स्टैंड भी तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आज रात इसको ऑन भी करेगा डिजिटल स्क्रीन को, और वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। वीडियो को स्किप ना करें। इफ्तिताही तकरीब के लिए सामान आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सीढ़ी भी दिखाऊंगा, सीढ़ियों के ऊपर भी काम मुकम्मल हो चुका है आप देख सकते हैं। और साथ साथ सेफ्टी ग्रिल का काम भी दरमियान में, सीढ़ियों के ऊपर जितना भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ग्रास को भी बेहतर करेगा। और ये है पवेलियन प्लस मीडिया बॉक्स। बहुत जल्द यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेज़ और साथ डोमेस्टिक मैचेज़ भी स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे कूल वाटर के लिए मशीन भी इंस्टॉल किए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू। आज इफ्तिताही तकरीब भी होंगी यहाँ पे। और ये है चेयर्स, स्पेन से मंगवाई गई चेयर्स, वीआईपी चेयर्स, आला क्वालिटी की चेयर्स। के अलावा यहाँ पे मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाऊंगा, मेरे साथ रहें। यह है हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम और आज रात यहाँ पे इफ्तिताही तकरीब भी है। इस वीडियो में एंड में आपको मैं आपको इफ्तिताही तकरीब भी दिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए। और सामने आप देख सकते हैं कूल वाटर के लिए मशीन, यहाँ पर 20 से 25 मशीनें इंस्टॉल किए हैं मुकम्मल स्टेडियम में, अंदर भी और बाहर भी, ताकि तमाशाइयों के लिए आसानी हो। और यहाँ पे तमाशाइयों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और साथ साथ यहाँ पे वॉशरूम्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक और मशीन यहाँ पे पड़ा है कूल वाटर के लिए, और इसी तरह उस साइड पे भी है और साथ साथ ग्रास स्टैंड तक भी है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाऊँगा। यहाँ पर मैं आपको वॉशरूम्स दिखाने वाला हूँ, और वो भी पब्लिक के लिए, तमाशाइयों के लिए, ये नहीं कि वीआईपी लोगों के लिए हैं, तमाशाइयों के लिए हैं। अंदर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहें। आप देख सकते हैं फिनिशिंग काम जारी है यहाँ पे, वीआईपी वॉशरूम्स। अंदर का व्यू भी आप देख सकते हैं, और ये फर्स्ट स्टेडियम होगा जहाँ पे वीआईपी वॉशरूम्स तमाशाइयों के लिए होंगी पाकिस्तान में। और यहाँ पर सफाई के लिए लेबर्स को भी लगाए हैं ताकि यहाँ पर गंदगी ना हो। तो यहाँ पे फिनिशिंग काम भी जारी है कलरिंग का, और साथ यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम का काम भी हुआ है। आप देख सकते हैं लाइटिंग सिस्टम का काम यहाँ पे हुआ है, और आज मैं आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। और साथ यहाँ पे टफटाइल का काम भी मुकम्मल हो चुका है। सामने है स्विमिंग पूल प्लेयर्स के लिए, और इनसाइड स्विमिंग पूल में भी काम मुकम्मल हो चुका है। ये बाहर का व्यू है, यहाँ एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये फिनिशिंग काम है और आज रात इफ्तिताही तकरीब भी है, वो भी मिस ना करें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे ऑफिशियली इफ्तिताह हो चुकी है। अब वो टाइम आ चुका है हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम की, आज होगी ऑफिशियली इफ्तिताह। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आ चुके हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट से, केपी डिस्ट्रिक्ट से, यह क्वाहाट डिवीज़न से प्लेयर्स।
पिशावर से तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेहमान और यहाँ पे सीएम के इंतज़ार में। और ये नाइट का व्यू है हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम की, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन को भी ऑन करेगा, सामने है स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन। फाइनली सीएम आ चुके हैं अली अमीन गंडापुर और आज इफ्तिताह करेगा हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम की। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल करीब आया हूँ और ये है अली अमीन गंडापुर, केपीके सीएम, आज इफ्तिताह करेगा हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम की। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, सिक्योरिटी भी आप चेक कर सकते हैं अली अमीन गंडापुर की। तो आज करेगा हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम की इफ्तिताह, इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत जल्द पीएसएल के मैचेस भी होंगे। स्टेज को बनाया है अली अमीन मैचेस के लिए और वो स्टेज के सामने आ चुका है, बिल्कुल करीब है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं आप, ये केपीके के लोग हैं, पीटीआई से काफ़ी मोहब्बत रखते हैं ये, आप देख सकते हैं। ये है अली अमीन गंडापुर, आज इफ्तिताह करेगा ऑफिशियली। और यहाँ पे हुजूम भी आप देख सकते हैं लोगों की। इस वक्त सीएम साहब बिल्कुल स्टेज पर पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट के कोचेस भी मौजूद हैं स्टेज पर। सामने सीएम साहब अली अमीन गंडापुर और साथ मीना खान भी मौजूद हैं, और यहाँ पे तमाम स्पोर्ट्स के बड़े बड़े अहदेदारान मौजूद हैं। फाइनली हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम की ऑफिशियली इफ्तिताह हो चुकी है, सामने आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर, और यहाँ पे नाइट का व्यू भी आप देख सकते हैं, पवेलियन प्लस मीडिया बॉक्स। फाइनली हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम में ऑफिशियली इफ्तिताह हो चुकी है, यहाँ पे इंशाल्लाह पीएसएल के मैचेस भी होंगे और साथ इंटरनेशनल मैचेस भी। यहाँ फायरवर्क जारी है, देख सकते हैं। और यहाँ पे सीएम साहब के लिए खटक डांस भी पेश किया है। यहाँ सीएम साहब जाते हुए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में फिर मुलाकात होगा, अल्लाह हाफिज़।